Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े आ, हमारी चर्चा के श्रृंखला में अब आज की चर्चा में हम बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करेंगे उस पर बात करेंगे उसकी विचारधारा पर आ, उसके इतिहास पर और उसकी जो वर्तमान समय में स्थिति है उसकी सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे हमारी चर्चा की जो पूरी रूपरेखा होगी उसमें आ, सबसे पहले हम बामसेफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का गठन कानसी राम ने किया वो एक प्रक्रिया के तहत हुआ सबसे पहले उन्होंने बामसेफ का गठन किया ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज एम्प्लाईज़ फेडरेशन बामसेफ़ का फुल फॉर्म है उसके बाद उन्होंने डी एस फोर का गठन किया जिसके बारे में हम बात करेंगे और फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो असल में हम बहुजन समाज पार्टी को अगर समझना चाहते हैं तो हमें बामसेफ और डी एस फोर के गठन की परिस्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वैचारिक स्तर पर जो बहुजन समाज पार्टी है उसके लिए प्रमुख बात क्या है तो उस संदर्भ में हम मनुवाद के विरोध की जो एक अवधारणा है उस पर बात करेंगे और वहीं पर हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांसी राम ने अपनी बुक चमचा युग में इस बात की पूरी विवेचना की है कि कैसे जो दलितों को आरक्षण दिया गया प्रतिनिधि निकायों में वह बेमतलब मतलब साबित हुआ है और वहाँ पर उसके बाद फिर वो हम गठजोड़ की राजनीति की बात करेंगे और हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी बहुजन से सरोजन की ओर आगे बढ़ी और उसके बाद हम 2012 के बाद बसपा की राजनीतिक कमजोरी दुर्बलता और उसके कारणों की पड़ताल करेंगे और फिर हम भारत बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की कुछ सीमाओं पर भी बातचीत करेंगे भारतीय राजनीति के फलक पर बहुजन समाज पार्टी का एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में उभार अपने आप में भारतीय राजनीति की आ, सफलता का एक दस्तावेज माना जा सकता है भारतीय लोकतांत्रिक जीवन की सफलता का एक दस्तावेज माना जा सकता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गठन बहुत ही सामान्य लोगों के द्वारा किया गया और यानी कि कानसी एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते थे और उसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों से इस पार्टी का गठन किया उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पार्टी घोषित रूप से दलितों के हितों को ध्यान में रखने वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और इसने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया हालांकि यह भी सच है कि मौजूदा समय में इसकी राजनीति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ही केंद्रित है और उत्तर प्रदेश के दलितों में के भीतर बहुजन समाज पार्टी या बसपा ने एक राजनीतिक जागरूकता और गुलबंदी लाने में गंभीर संजीदा भूमिका अदा की है हालांकि इसे उत्तर प्रदेश में ही सफलता मिली है लेकिन आ, देश के अन्य राज्यों में भी जहां दलित हैं और वहां उन्होंने दल इसने दलितों में आत्मचेतना का संचार किया है आत्म अभिमान का संचार किया है और इसे कुछ हद तक उन राज्यों में सफलता भी हासिल हुई है इसी कारण से इन अलग अलग राज्यों के में कुछ सीटों पर जीत मिलने के कारण ही इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है अगर हम बसपा की आ, स्थापना की तरफ बढ़ें तो हमें आ, यह ध्यान रखना होगा कि बसपा की पूरी राजनीति असल में कांग्रेस द्वारा दलित जैसे कि एक लंबे समय तक आ, गांधी द्वारा दिए गए नाम हरजन के रूप में भी जाना जाता रहा उसकी मुखर राजनीति की अभिव्यक्ति के रूप में है यानी कि बसपा दलितों की चेतना की मुखर अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है अगर हम आज़ादी के पहले के दौर पर ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी गंभीरता से लगातार लगकर मेहनत करके इस बात की कोशिश की कि दलितों के भीतर चेतना आए राजनीतिक चेतना आए और वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि जो एक व्यापक राजनीतिक मॉडल है या जो एक राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा है जिसे आज़ादी के संघर्ष के रूप में हम सब जानते हैं उसके भीतर दलितों के मुद्दे को एक छोटे मुद्दे के रूप में समाहित कर लिया जाए उन्होंने लगातार यह कोशिश की कि दलितों को जिस तरह की वंचना अस्पृश्यता हिकारत और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है उसके खिलाफ़ न सिर्फ पूरे देश में गंभीरता से बात हो बल्कि अंग्रेजी सरकार भी लगातार उनकी भलाई के लिए काम करें डॉक्टर अंबेडकर की इन कोशिशों का ही नतीजा था कि महात्मा गांधी ने भी इस प्रश्न पर ध्यान देना आरंभ कर दिया और आ, महात्मा गांधी आ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था असल वो पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे आ, और आ, गांधी जी ने पूना पैक्ट के पहले जो रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा कॉमिनल अवार्ड दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट की व्यवस्था होगी और गांधी जी ने इस पर यह आपत्ति दर्ज की थी कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा और उसको एक रखने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था और उनका यह भी कहना था कि हिंदुओं को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए उन्होंने बहुत ही अनुनय भरे स्वर में भीमराव अंबेडकर से यह कहा था कि वे उन्हें खुद से अलग ना करें और उन्हें अपना एक भाग मानें और उन्हें यह मौका दें कि वे हिंदू समाज की कुरुतियों को दूर कर पाएँ और इसके परिणाम स्वरूप पुनः पैक्ट हुआ जिसमें यह कहा गया मोटे तौर पर अन्य बातों के अलावा कि जो प्रतिनिधि निकाय होंगे जैसे संसद या विधानसभाएं वहाँ पर अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित मिलेंगी यानी कि उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा तो ये जब पूना पैक्ट हो गया तो बाद में और पूना पैक्ट में अन्य कई प्रावधान थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे चलकर यह एहसास हुआ कि असल में पूना पैक्ट को कभी गंभीरता से लागू करने की कोशिश नहीं की गई और असल में पूना पैक्ट ही अपने आप में एक धोखा के रूप में था क्योंकि उन्हें यह लगा कि अगर पूना पैक्ट नहीं होता और दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल मिल जाता तो वो अपने हितों को ज़्यादा अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते थे बहरहाल पूना पैक्ट के किए वायदे के अनुरूप ही जब भारतीय संविधान बना तो उसमें दलितों के लिए यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया और उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से इस मुद्दे को नहीं उठाया इसका अर्थ यह है कि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से दलितों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है इसके बाद जब आ, चुनाव हुए चूँकि अंबेडकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्तर भारत में अपनी पार्टी को नहीं जमा पाए थे उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया लेकिन उसके और उसके पहले भी उनकी एक पार्टी थी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के रूप में लेकिन आ, आ, उनकी पार्टी को चुनाव में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली उन्नीस में डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो गया और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में केंद्रित रही और वो कई धड़ों में बढ़ती रही इसके अलावा पूरे देश में जो दलित मतदाता थे वो मोटे तौर पर कांग्रेस को वोट देते रहे और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसे दलितों का खूब समर्थन मिला उत्तर भारत के तमाम राज्यों में और जब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने आपको यह बताया कि बहुत सारे समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि 1970 के दशक में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के रूप में खुद को कांग्रेस ओ से अलग किया तो उसके बाद और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उसके बाद से लेकर 1980 के दशक तक मुख्य रूप से उन्होंने तीन सामाजिक आधारों पर ध्यान केंद्रित किया ब्राह्मण मुस्लिम और दलित जिसे उस समय हरिजन भी कहा जाता था तो ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री इन बातों को रखते हैं लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई असल में वह कांग्रेस के भीतर दलितों की हीन स्थिति उपेक्षित स्थिति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई निश्चित रूप से नौकरियों में आरक्षण के कारण और कुछ हद तक शिक्षा के प्रसार के कारण दलितों के भीतर एक पढ़ा लिखा तबका उभर कर सामने आ चुका था और कासी राम ने अपने जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए यह सीखा कि दलितों को गोलबंद करने की आवश्यकता है क्योंकि काफ़ी पढ़ लिख के जब वो अपने नौकरी में गए तब भी उन्होंने देखा कि दलितों को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो अधिकारी हैं तो इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने उन्नीस में बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो हम यह कह सकते हैं जो मैंने आपके सामने एक पृष्ठभूमि रखी आ, उसमें मैंने मुख्य रूप से यही आपको बताने की कोशिश की कि आ, जो बहुजन समाज पार्टी बनी वह एक तरीके से कांग्रेस जो कि वो मुख्य राजनीतिक दल था और अन्य पार्टियों के भीतर भी जो दलितों की उपेक्षा थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो बनी और उसके माध्यम से यह कोशिश की गई कि एक शक्ति के रूप में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद दलितों को गुलबंद होना होगा और तभी वो सत्ता पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं कांसी जिन्होंने की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की वो पहले पूना के एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक की नौकरी करते थे और उन्होंने अपने प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी को बनाया और इसका श्रेय इन्हें दिया जाना चाहिए कि इन्होंने स्वतंत्र भारत में सबसे वंचित समूहों में से एक दलितों को राजनीतिक रूप से गोलबंद करने का एक सफल प्रयोग किया और उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का भी काम किया चुनावी संसदीय राजनीति में दलितों के सशक्तिकरण के लिए बसपा ने हर तरह की विचारधारा वाले दलों से गठजोड़ का दरवाजा खुला रखा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आगे मैं थोड़ा विस्तार से इस पर बात करूंगा, उदाहरणों के साथ इस पर बात करूंगा। लेकिन वो जो कांसी राम थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक विचार को पूरी तरह अपना लिया कि राज सत्ता दलितों के लिए मास्टर की है अगर दलितों को अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें राज सत्ता को यानी स्टेट पावर को आ, लेना होगा और कांसी राम आ, अपनी भाषा पंजाबी में यह कहा करते थे कि यह गुरु किल्ली है जो दलित हैं उनके लिए चाबियों की चाबी है यह गुरु किल्ली है आ, स्लाइड में ये थोड़ा सा थोड़ी गलतीकरण गुरु हो गया बट गुरु है और इसलिए सत्ता की राजनीति में विविध दलों से गठजोड़ करने के बावजूद बसपा ने अपना मुख्य लक्ष्य गुरुकिल्ली हासिल करने पर ही रखा इस लिहाज से इसने राजनीतिक मुहावरे में ज़बरदस्त बदलाव किया और जब हम इस गुरु किल्ली की अवधारणा पर ध्यान देंगे तो एक तरीके से ये औचित्य भी उभर कर या एक, एक तर्क भी उभर कर सामने आएगा कि क्यों बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ की राजनीति में वैचारिक शुद्धता या वैचारिक अशुद्धता को ध्यान में नहीं रखा उसका अपना लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट रहा कि अगर हमें समाज के सबसे वंचित तबके की भलाई करनी है तो सत्ता पर हमारा कब्जा होना चाहिए तभी हम ऐसा कर सकते हैं हालांकि इस विचार की अपनी सीमाएं हैं अपनी कमजोरियां हैं जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे अभी हम बहुजन समाज पार्टी के गठन की यात्रा पर विचार करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कई धड़ों में बटा डॉक्टर अंबेडकर के मृत्यु के बाद और महाराष्ट्र तक ही इसका प्रभाव सीमित रहा महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स भी उभर कर सामने आए जिन्होंने कि ब्लैक पैंथर्स से प्रेरणा लेते हुए दलितों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की और उनके लिए एक अस्मिता का विकास करने का प्रयास किया लेकिन आ, आ, कांसी राम की राजनीति की शुरुआत इससे अलग थी उन्होंने सबसे पहले यह देखा कि आरक्षण की नीति के कारण दलितों के भीतर एक ऐसा तबका उभर कर सामने आ गया है जिसके पास सरकारी नौकरियां हैं तो आ, कांसी राम ने राजनीतिक दल बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले सरकारी नौकरियों में काम करने वाले दलितों को संगठित करने की कोशिश की इसके लिए उन्होंने उन्नीस में नागपुर में कुछ अन्य दलित नेताओं के साथ मिलकर ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्प्लॉइज फेडरेशन यानी कि बामसेफ का गठन किया और बामसेफ ने सबसे पहले इसने मुख्य रूप से दलित शिक्षित सरकारी कर्मचारियों को एक बैनर तले एकत्रित करने का लक्ष्य रखा असल में बामसेफ की कल्पना एक छाया संगठन या अर्ध भूमिगत संगठन के रूप में की गई थी इसका नाम स्वयं में एक आवरण था जिसमें बैकवर्ड और माइनॉरिटी शब्द तो मौजूद थे लेकिन दलित या अनुसूचित जनजाति जैसे शब्द नहीं थे जबकि मुख्य लक्ष्य जो था वह दलित सरकारी कर्मचारियों को एकत्रित करने का ही था और यह एक तरीके से शायद बाद में बसपा की राजनीति की सीमा के रूप में भी सामने आया लेकिन जो मुख्य बात है वह यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में वह यह है कि कांसी राम को यह एहसास हुआ कि जो राजनीतिक दल वो बनाना चाहते हैं या जिस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी को संगठित करना चाहते हैं उस संगठित करने का जो एक आर्थिक आधार हो सकता है या जो एक बौद्धिक आधार हो सकता है वो पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी कर रहे दलितों के माध्यम से आ सकता है और इसीलिए उन्होंने बामसेफ का गठन किया बामसेफ का गठन करने का तात्पर्य यह भी था कि जो दलित कर्मचारी थे जो मुख्य इसमें भूमिका निभा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि बामसेफ़ में बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़ के को कोई सदस्य नहीं थे लेकिन मुख्यतः इसमें दलित सदस्य ही थे तो जो सरकारी कर्मचारियों को एक उनके साथ ये प्रावधान जुड़ा होता है अकेडमिक्स को छोड़ के कि वो राजनीतिक गतिविधियों में खुलकर भागीदारी नहीं कर सकते हैं तो इसके हिसाब से आम तौर पे इसकी गतिविधियों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के रूप में ही रखा गया और इसमें जो संचालन था वो दलित कर्मचारियों के हाथ में था और इसके सदस्यों में से अधिकांश लोग महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के थे और अनुसूचित जनजातियों के थे अनुसूचित जातियों के थे अनुसूचित जनजातियों के नहीं तो ये जो सदस्य थे वह इस संगठन के शिक्षित कर्मचारियों से यह हाँ उम्मीद की जाती थी कि वे उत्पीड़ित समाज के अन्य सदस्यों की मदद करेंगे और इसलिए बहुजन समाज के ब्रेन बैंक टैलेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक बन जाएंगे तो ये जो ब्रेन बैंक आ, टैलेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक आ, की पूरी अवधारणा थी वह अपने आप में एक अनूठी अवधारणा थी क्योंकि जब हम राजनीतिक दलों के बारे में बात कर रहे थे भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था के बारे में तो हमने यह बात की थी कि हमारे देश की राजनीति की एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर राजनीति या चुनाव लड़ना बहुत बड़े खर्चे का विषय है तो एक संगठन कैसे बनाएं एक राजनीतिक दल को किस तरीके से संगठित करें इसकी शुरुआती आधार के रूप में कांसी राम ने सरकारी नौकरी में जा चुके अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगों को गोलबंद करने की कोशिश की ताकि वो उनसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी ले सकें इसके अलावे उनमें से जो बहुत प्रतिभाशाली लोग थे वो उन्हें सक्रिय राजनीति में लाना चाहते थे और उनकी वैचारिकी के माध्यम से उनकी चेतना के माध्यम से अन्य दलितों को सक्रिय करना चाहते थे तो बामसेफ़ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश की अब जैसे जैसे बामसेफ़ की गतिविधियाँ मजबूत होती गईं वैसे वैसे यह राजनीतिक परियोजना अगले चरण की ओर बढ़ी बामसेफ वाले सरकारी नौकरी में होने के कारण आंदोलनों में या राजनीतिक प्रचार में भागीदारी नहीं कर सकते थे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया इसलिए कानसी राम ने 6 दिसंबर उन्नीस को डी एस नामक संगठन बनाया इसका पूरा नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति डी से दलित और चार ए से इसलिए एस फोर एक चीज और भी हम ध्यान देंगे कि कांसी राम ने जो कुछ भी महत्वपूर्ण काम किए वो या तो अंबेडकर का जिस दिन निधन हुआ था उस दिन या उनके जन्मदिन के समय किया जैसे कि जो डी एस फोर है उसका गठन उन्होंने 6 दिसंबर उन्नीस को किया और उसके बाद आ, जो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना थी वो उन्होंने 14 अप्रैल उन्नीस को किया तो ये जो डी एस फोर था यह भी पूरी तरीके से एक ऐसा संगठन नहीं था जिसका लक्ष्य यह था कि वह चुनाव लड़े इसके बजाय इसके माध्यम से उन्होंने राजनीतिक रूप से आ, कुछ गतिविधियां करने की कोशिश की सिवाय इसके कि चुनाव लड़ा जाए डी एस फोर का सबसे बड़ा कार्यक्रम दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू किया गया साइकिल मार्च था इसी के साथ इसने पूर्व उत्तर पूर्व में कोहिमा से पश्चिम में पोरबंदर से और पूर्व में पूरी से साइकिल यात्राएं शुरू की ये चारों यात्राएं 100 दिसंबर तक चली ए, 100 100 दिन तक चली आ, 6 दिसंबर उन्नीस से शुरू होकर यह कार्यक्रम 15 मार्च उन्नीस तक चला फिर दिल्ली पहुँच करीब तीन लाख लोगों की एक विशाल रैली हुई और उन्नीस की दिल्ली रैली ने काँी राम के सामने बहुजन समाज आंदोलन के लिए एक राजनीतिक दल की ज़रूरत को साफ कर दिया यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शुरुआती दौर में कांसी राम ने काफ़ी मेहनत से आ, लोगों को जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने राजनीतिक चेतना लाने के लिए एक अलग तरह की प्रविधि का इस, इस्तेमाल किया स्वतंत्र भारत में आमतौर पर इस तरह की जो कोशिश है उसका हम मोटे तौर पर कम प्रयोग देख सकते हैं उन्होंने देश के अलग अलग भागों में साइकिल से यात्राएं करने का लक्ष्य रखा अपने विश्वस्त सहयोगियों को भी इससे जोड़ा वो अलग अलग स्थानों पर जाते थे सौ सौ दो दो सौ ढाई ढाई सौ लोगों की नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते थे उन्हें बार बार यह बताने की कोशिश करते थे कि किस तरह आ, जो लोग जो दलित भी चुनकर गए हैं कांग्रेस के टिकट पर या अन्य पार्टियों के टिकट पर वो दलितों के हित में काम करने में कैसे असमर्थ हैं कैसे वो अपनी मुख्य पार्टी के एजेंडा को ही आगे बढ़ा रहे हैं और क्यों दलितों को खुद को गोलबंद करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार खुद को एक दूसरे को जोड़कर सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अलग राजनीति करने की आवश्यकता है तो उनकी जो यह कोशिश थी वह सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं थी क्योंकि राजनीति में अक्सर लोग आ, चुनावों के समय जनता के बीच में जाते हैं अपनी मैनिफेस्टो को रखते हैं अपनी सभाएं करते हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कहते हैं इसके पहले आ, कांसी राम देश के अलग अलग भागों में गए साइकिल से यात्राएँ करते हुए उन्होंने लोगों के भीतर आ, दलितों के भीतर उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश की तो इसके माध्यम से ना सिर्फ वो अपने राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे थे बल्कि उन्होंने दलितों को चाहे वो पढ़े लिखे दलित हों या चाहे कम पढ़े लिखे दलित हों चाहे वो जिन्हें हम कहते हैं असाक्षर या निरक्षर दलित हों सबके भीतर एक राजनीतिक शिक्षा देने की भी कोशिश की एक राजनीतिक समझ बनाने की भी कोशिश की तो इस लिहाज से यह एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की एक पूर्व पीठिका के रूप में आ, कांसी राम ने साइकिल यात्राएं की डी एस फोर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और इसके साथ ही उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी चमचा युग द एज ऑफ स्टूज और इसमें उन्होंने काफ़ी तीखी आलोचना की आ, जो अभी तक सांसद चुने जा रहे थे उन्होंने पुना पैक्ट की आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि पूना पैक्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दलितों में से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे आरक्षित सीटों पर वो और कुछ नहीं बल्कि चमचे होंगे उनका यह कहना था और उन्हें बहुत विस्तार से यह दिखाया कि कैसे दलितों में अलग अलग तरीके के चमचे होते हैं यानी कि ऐसे लोग जो स्वाभिमान के साथ अपने समुदाय या अपने हित की बातों को ना रख कर आ, किसी न किसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते थे और वो सामने वाला व्यक्ति प्रभुत्वशाली जाति या फिर प्रभुत्वशाली समुदाय या प्रभुत्वशाली पार्टी का सदस्य होता था तो उन्होंने यह बताया कांसी राम ने कि चूँकि जो आरक्षित सीटें होती हैं वहाँ पर जो दलित उम्मीदवार होते हैं अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें अपनी जीत के लिए दूसरे समुदायों के समर्थन की ज़रूरत होती है कुछ आर्थिक संसाधनों की भी ज़रूरत होती है और अपने पार्टी के बड़े नेताओं के वर्द हस्त की ज़रूरत होती है तो वो आमतौर पर उनके चमचे के रूप में तब्दील हो जाते हैं उन्हें अपने समुदाय के यानी कि दलितों के हितों के बारे में बोलने में शर्मिंदगी होती है और वो ज़्यादातर दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं तो उन्होंने यह कहा कि ये जो पूरी अवधारणा है उस अवधारणा में यानी कि सीटों को आरक्षित करने की जो बात है उससे दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने इस अवधारणा को हटाकर सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ जाने की बात नहीं की उन्होंने इसकी बजाय इस बात पर जोर दिया कि अब इसी स्थिति में कैसे दलितों के ज़्यादा बेहतर प्रतिनिधियों को चुना जाए कैसे दलितों के लिए ज़्यादा बेहतर राजनीति को आगे बढ़ाया जाए और फिर बहुजन समाज पार्टी के रूप में उन्होंने एक ऐसे विकल्प को प्रस्तुत करने की कोशिश की यहाँ हम इस बात को भी ध्यान देंगे कि कांसी राम ने दलित शब्द के स्थान पर बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें कि वो माइनॉरिटीज़ को और पिछड़े तबकों को भी सम्मिलित करते थे तो उनका यह कहना था कि सिर्फ दलित नहीं बल्कि अन्य जो आ, बहुजन हैं वो हमेशा से ही अल्पजनों के शोषण का शिकार होते आए हैं जो कि उच्च जातियों के लोग हैं जो कि मनुवादी लोग हैं आगे हम ये देखेंगे कि मनुवाद की उनकी अवधारणा किस तरीके से सामने आती है लेकिन अभी जो याद रखने की वाली बात है वह यह कि कानसी राम ने उन्नीस में 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और इस पार्टी की स्थापना से पहले जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी और इस साल जून में यानी कि उन्नीस के जून में आ, इस पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इसे चुनाव आयोग चुनाव आयोग में पंजीकृत कराया गया बसपा ने अपने गठन के तुरंत बाद उन्नीस का संसदीय चुनाव लड़ा आ, और आ, जैसे कि हमने पहले चर्चा की है कि उन्नीस का संसदीय चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हो रहा था जिसमें कि कांग्रेस कौ, पार्टी के प्रति लोगों की काफ़ी हमदर्दी थी काफ़ी सहानुभूति थी इसलिए बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में किसी सीट पर जीत तो नहीं मिली लेकिन पूरे देश में इसे दस लाख पाँच हज़ार वोट मिले जो अपने आप में एक तुरंत स्थापित हुई पार्टी के लिए अच्छी सफलता मानी जा सकती है उसके बाद कांसी राम ने उन्नीस से उन्नीस के बीच उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश की कांसी राम के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात प्रचलित हुई जो कि वो अपने समर्थकों से कहा करते थे कि जब आप पहला चुनाव लड़ें तो आप हारने के लिए लड़ें जब आप दूसरा चुनाव लड़ें तो हराने के लिए लड़ें और जब आप तीसरा चुनाव लड़ें तो जीतने के लिए लड़ें लेकिन चुनाव लड़ें ज़रूर और इस लिहाज से गुर गुरुकिल्ली की जो बात हमने शुरू में की थी सत्ता की चाबी उसे हासिल करने की कोशिश लगातार करते रहें तो वो बार बार तीन उपचुनावों में उन्नीस से नवासी के बीच उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतारा और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हुए या अन्य पार्टियों की तरफ से जो उम्मीदवार हुए वो आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान के दलित राजनीति के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित हुए सबसे पहले आ, दिसंबर उन्नीस सौ नवासी में आ, सबसे पहले नहीं पर दिसंबर उन्नीस में बिजनौर उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार मायावती ने उस समय के अनुसूचित जातियों के सबसे बड़े नेता दिवंगत जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को चुनौती दी इस चुनाव में मायावती को इकसठ वोट मिले और मीरा कुमार सिर्फ पाँच हज़ार वोट की मदद से या पाँच हज़ार वोट से जीत पाए और हम जानते हैं कि मायावती आगे चलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और मीरा कुमार सांसद रहीं और लोकसभा की अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हैं और वो जगजीवन राम की बेटी थी लेकिन मायावती को कांसी राम ने आ, अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाया था इसके अलावा एक दूसरा प्रमुख चुनाव हुआ आ, जो कि हरिद्वार का उपचुनाव हुआ इस उपचुनाव में बसपा ने मायावती को उतारा और रामविलास पासवान जो पहले से ही एक स्थापित नेता थे बिहार से थे और दलितों बिहार के दलितों में खासे लोकप्रिय थे वो चुनाव लड़ रहे थे चुनाव में हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई लेकिन जीत का अंतर सिर्फ पंद्रह हज़ार वोट था और मायावती दूसरे स्थान पर रहीं उन्हें एक लाख पैंतीस हजार दो सौ पच्चीस वोट मिले और रामविलास पासवान को जीत नहीं मिली तीसरा चुनाव इलाहाबाद का प्रसिद्ध उपचुनाव था जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस के उम्मीदवार को वी सिंह ने चुनौती दी थी वी सिंह को भी तेईस विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल था बसपा की ओर से खुद कांसीराम चुनाव लड़ें और इस उपचुनाव में और वीपी सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे उम्मीद है क्योंकि हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कांग्रेस के समय में कि वी सिंह बोफोर्स घोटाले के कारण राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से हटने के बाद चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें तेईस विपक्षी दलों का समर्थन मिला हुआ था बसपा की ओर से जब कांसीदौर चुनाव लड़े तो उन्हें इकहत्तर वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहें ये तीनों उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें बसपा के पास अपने विरोधियों की तुलना में बहुत कम संसाधन थे बसपा साइकिल के प्रचार और जनसंपर्क द्वारा खासतौर पर दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती रही और उसे काफ़ी सफलता भी मिली इससे एक ओर बसपा का आधार पुख्ता हुआ वहीं दूसरी ओर इसने दलितों के भीतर राजनीतिक चेतना पैदा की तो एक, एक लिहाज से अपने गठन के शुरुआती पाँच से छः सालों में कांसी राम ने इन उपचुनावों का प्रयोग एक बार फिर से दलितों के भीतर चेतना जगाने के लिए की जिस तरीके से वो साइकिल यात्राओं के माध्यम से दलितों के भीतर चेतना जगाते थे वैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि चुनावों का उपयोग भी इस रूप में किया जा सकता है क्योंकि जब एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव जीत सकता है चुनाव हार सकता है हो सकता है चुनाव में उसकी जमानत भी जब्त हो जाए लेकिन जब वो चुनाव लड़ता है तो चुनाव का उपयोग वो एक ऐसे माध्यम के रूप में कर सकता है जब वह अपने विचारों को अलग अलग मुद्दों के बारे में अपनी राय को लोगों के सामने रखें और इसी लिहाज से आ, कांसी राम ने चुनाव लड़ने पर जोर दिया और वो इन तीनों चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर आए साइकिल से उन्होंने जम -जम पर किया उनके पास संसाधनों की कमी थी लेकिन फिर भी उन्हें तुलनात्मक रूप से अच्छी खासी सफलता मिली और दलितों के भीतर उन्होंने जागरूकता जगाने में कामयाबी पाई एक जो प्रमुख वैचारिक आधार बहुजन समाज पार्टी का बना वह मनुवाद का विरोध था असल में मनुवाद यह शब्द भी कांसी राम के द्वारा लोकप्रिय किया गया और बाद के वर्षों में यह इतना लोकप्रिय हो गया कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को अगर कोई मनुवादी कह देता था तो वो नाराज़ हो जाते थे और बाद में मनुवाद से ज़्यादा ब्राह्मणवाद शब्द प्रचलन में आया लेकिन कुल मिलाकर जब कानसी राम ने आ, मनुवाद शब्द का इस्तेमाल किया तो आ, वो इसके माध्यम से वे कांग्रेस की और दूसरे दलों की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नेताओं की, की राजनीति से काफ़ी अलग किस्म की राजनीति करने पर जोर दे रहे थे और उन्होंने मंदिर प्रवेश या दलित पैंथरों द्वारा चलाए गए नामांतर सरीखे आंदोलनों की ओर ध्यान नहीं दिया यानी कि वो प्रतीकात्मक बातों की ओर नहीं गए क्योंकि मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था जो कि हिंदू धर्म में हिस्सेदारी के लिए था यहाँ हमें यह याद रखने की जरूर ज़रूरत है कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन को काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था और आ, उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि असल में इस तरह के प्रतीकात्मक बातों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है दलित पेंथरों ने यह कोशिश की कि वो दलित अस्मिता को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो प्रमुख संस्थान हैं उन्हें आ, उनका नामांतरण करके दलित आइकॉन के नामों के आधार पर रखा जाए यह उनकी कोशिश रही थी यह उनकी रणनीति का एक भाग था लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए मनुवाद शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी तीखी आलोचना की इसने कांग्रेस के भीतर दलितों के प्रतिनिधित्व को चमचागिरी का प्रमाण माना अर्थात इसने तर्क दिया कि कांग्रेस के दलित नेता दलितों के हितों के बजाय ऊंची जाति के अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं जो आ, मनुवाद की बात है उसमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब आ, किसी को के लिए आ, मनुवादी होने का आरोप लगाया गया किसी पर तो इसका अर्थ क्या था इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जाति व्यवस्था की संरचना को स्वीकार करता है एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि वर्ण या जाति की जो व्यवस्था है उसमें उसके उसमें जो ऊंच नीच की बात कही गई है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो है और यह मानने का मतलब है कांसीराम के अनुसार कि ऐसे व्यक्ति के से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह समानता में भरोसा रखें ऐसे व्यक्ति से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह वास्तविक अर्थ में जातिगत भेदभाव का विरोध करेगा ऐसे व्यक्ति से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह दलितों के अधिकारों के लिए ईमानदारी से संघर्ष करेगा तो कांसी राम ने इस बात पर जोर दिया कि ये जो मनुवादी है या जो मनुवाद की जो पूरी एक जकड़न है वो समाज में बहुत ज़्यादा है वह हर हर स्तर के लोगों में मौजूद है और ख़ासतौर पे जो गैर दलित हैं और इससे तभी मुक्ति पाई जा सकती है जबकि जो चमचागिरी की राजनीति है उससे अलग हटकर दलितों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की राजनीति की जाए जब तक दलितों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की राजनीति नहीं होगी तब तक मनुवाद का बोलबाला रहेगा ऐसा उन्होंने कहा और इसी आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को संगठित करने की कोशिश की जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के नाम से भी साफ़ है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में सिर्फ आ, नाम में दलित कहीं से नहीं आता है अनुसूचित जाति शब्द कहीं से नहीं आता है तो उनकी जो मुख्य कोशिश थी वो ये थी कि दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ा जाए और इस संदर्भ में वो कई तरह के नारे को लेकर भी आए और इसे उन्होंने प्रसिद्धि भी दी अपनी छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में भी इसकी वो बात करते थे जैसे उन्होंने यह कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा और इसका अर्थ यही था कि जो बहुजन जो कि 80 प्रतिशत है पूर्ण जनसंख्या का आप उनकी हितों की उपेक्षा करके उनके मुद्दों की उपेक्षा करके आप दिल्ली पर या सत्ता पर राज करने के का स्वप्न नहीं देख रहे थे आ, लेकिन यह भी हकीकत है कि बहुजन शब्दावली को अपनाने के बावजूद आ, जो बहुजन समाज पार्टी का जोर रहा वह दलित जातियों को संगठित करने में ही खर्च हुआ और आम तौर पर जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं वह अन्य राजनीतिक दलों से खासतौर पर उन राजनीतिक दलों से जुड़ी जो कि सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर सामने आ रही थी तो यह जो बहुजन की बात थी वह उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से दलित जातियों तक ही केंद्रित रही इसके अलावा आरंभिक दौर में बसपा ने इस बात जो ज़मीन का मुद्दा है उसको भी गंभीरता से लिया और इसने यह नारा दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है और इसके माध्यम से उन्होंने यानी कि बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता कांसी राम ने जो भूमिहीन दलित थे या भूमिहीन पिछड़े जातियों के लोग थे उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश की और उन्नीस के दशक के बाद से बसपा ने आर्थिक शोषण से ज़्यादा आत्मसम्मान और अस्मिता के प्रश्नों पर जोर देना शुरू कर दिया तो आ, आर्थिक मुद्दे थोड़े पीछे चले गए अब यहाँ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है और वह यह कि बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है आ, उस राजनीति में और बिहार के कुछ इलाकों में जो भाकपा माले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की राजनीति रही दोनों में एक बुनियादी फर्क है हालांकि भाकपा माले जो अभी भी एक संसदीय पार्टी के रूप में काम कर रही है उसमें भी दलितों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भी रहा हिस्सेदारी भी रही हालांकि उच्च नेतृत्व पर अभी भी कोई दलित नहीं हैं लेकिन उन्होंने जमीन के मुद्दे को आर्थिक संसाधनों के मुद्दे को उठाया उसकी तुलना में बहुजन समाज पार्टी ने आत्मसम्मान के मुद्दे को उठाया ये दोनों मुद्दे अपने से अपने में बिल्कुल अलग नहीं हैं लेकिन यह भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए जो ज़मीन का मुद्दा था वह थोड़ा पीछे चला गया हालांकि अन्य मामलों में इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो सत्ता है जो शक्ति का पद है वहाँ पर दलित ज्यादा से ज़्यादा पहुंचे तो इन दोनों तरह की रणनीतियों का एक बड़ा अंतर यह भी आ, कहा जा सकता है कि कई सारे क्षेत्रों में जो जहाँ भाकपा माले है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी खुद को पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाई हालांकि यह भी सच है कि इसके लिए कई दूसरे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं मिसाल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बेहतर नेता को वहाँ स्थापित करने की कोशिश ना करना इस पहलू के बारे में जब हम बहुजन समाज पार्टी की सीमाओं की बात करेंगे तो थोड़े और विस्तार से बात करेंगे बहरहाल जो ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पर वह यह कि उन्नीस तक कुछ चुनावों उपचुनाव लड़कर और उसमें अपने दमखम को दिखाकर बहुजन समाज पार्टी यह स्थापित कर चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच में वो धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ की राजनीति के लिए अपना दरवाजा खोला और उसने इस बात से कोई गुरेज नहीं किया कि उसे किस पार्टी से गठबंधन करना है क्योंकि जो गुरुकिल्ली की पूरी अवधारणा थी सत्ता की चाबी हासिल करने की वही मुख्य अवधारणा कांसी राम ने अपने सामने रखी कि अगर हमें दलितों की भलाई के लिए कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी कांसी ने खुलकर खुद को अवसरवादी भी कहा इससे उनका आशय यह था कि दलितों को सत्ता दिलाने के लिए वे हर अवसर और हर विकल्प का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो अगर हम नब्बे के दशक के उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान दें तो उन्नीस के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया उसके बाद इसने कांग्रेस से भी गठजोड़ किया और उसके बाद इसने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से तो खैर तीन बार सरकार भी बनाई तो जिसमें मायावती मुख्यमंत्री बनी हम उस कहानी पे आगे आएंगे लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के कारण उन्नीस के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को जीत की उम्मीद थी क्योंकि उसे यह लगा था कि जो हिंदुत्व की राजनीति है जहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था तो उसका लाभ उसे उत्तर प्रदेश में मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बसपा ने यह चुनाव मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करके लड़ा था इस चुनाव में सपा बसपा गठजोड़ को एक सीटें मिली जिसमें से बसपा को कुल अड़सठ सीटों पर जीत मिली मुलायम सिंह यादव उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बसपा भी इस सरकार में शामिल हुई कांसीराम ने इस समय तक मायावती को बसपा की भावी नेता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था इससे कई बसपा नेताओं को काफ़ी असंतोष भी हुआ मायावती ने मुलायम सिंह सरकार पर दबाव बनाकर कई फैसले भी करवाए आखिरकार जून उन्नीस में बसपा के समर्थन वापस लेने के कारण समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई और बसपा नेता मायावती ने भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बनाई और उसके बाद मायावती ने कई अन्य मौकों पर भी आ, सरकार बनाई मायावती ने एक छवि बनाने में सफलता हासिल की और वह छवि थी एक कुशल प्रशासक की अपने छोटे कार्यकाल में ही उन्होंने एक तरफ तो एक दलित महिला के मुख्यमंत्री बनने के कारण आ, बहुत सारे आ, जो तार्किक सोच रखने वाले नागरिक थे उन्हें तो खुशी हुई लेकिन उससे ज़्यादा उससे बड़ी खुशी दलित समुदाय में पूरे देश के दलित समुदाय में फैली कि एक दलित महिला देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री बनी है मायावती ने अपनी एक छवि ऐसे आ, नेता के रूप में बनाई जो कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त थी उसके पहले मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व तो काल में कानून व्यवस्था की समस्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा थी मायावती ने इसे नियंत्रित किया और जो भी अपराध करने वाले तत्व थे उन्हें जेल में पहुँचाने का काम किया इससे भी इनकी एक अच्छी छवि बनी और वे दलितों की अस्मिता के वाहक के रूप में सामने आई हालांकि उसकी उनकी सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और इस दौरान बसपा को भी कई विभाजनों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके साथ ही मायावती कांसीराम के बाद बसपा की सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हो गई इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उन्नीस और दो, दो में भा भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बनाई इनमें से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई बहुजन समाज पार्टी पर जब यह आरोप लगाया गया कि और खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो बहुजन में माइनॉरिटीज़ या मुस्लिमों अल्पसंख्यकों को भी शामिल करते थे तो उन पर बार बार ये आरोप लगा कि वो मुस्लिमों के को जो पार्टी जिस पार्टी को मुस्लिम आम तौर पर पसंद नहीं करते हैं आ, उनके साथ उसका गठजोड़ हो जाता है तो आ, इस इसका जवाब देते हुए कानसी राम ने यह कहा था कि वो भाजपा के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करते हैं और जब भी उन्होंने भाजपा के साथ समझौता किया भाजपा कमजोर पार्टी के रूप में आ, ही निकल कर आई उस गठजोड़ के बाद यह एक विवाद का विषय हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर आ, जो गुरु की तलाश की पूरी राजनीति थी यह शायद उसकी सीमा को भी दिखाता है कि इससे काफ़ी हद तक जो राजनीतिक विश्वसनीयता होती है एक नेता की वह कमज़ोर हो सकती है हालांकि जब भी मायावती मुख्यमंत्री बनी उससे दलितों के भीतर एक तरह का अभिमान बढ़ा और कई मामलों में उनकी भलाई के लिए कुछ काम भी हुआ लेकिन वैचारिक द्वंद्व की स्थिति विचारधारात्मक द्वंद्व या विचारधारात्मक कमजोरी का आरोप लगातार बहुजन समाज पार्टी पर लगता रहा और विशेष रूप से यह बात इसलिए भी उल्लेखनीय हो जाती है क्योंकि जब 2002 में गुजरात के दंगे हुए तो उसके बाद जो चुनाव हो रहे थे तो उसमें नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए खुद मायावती भी गई थी तो ये जो एक तर्क है ख़ासतौर तो पर ये उनके विरोधियों जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी ओर से लगाया जाता है लेकिन 2002 के बाद जो पूरी राजनीति बहुजन समाज पार्टी की है वो एक दूसरी दिशा में मुड़ी इसकी शुरुआत कुछ हद तक पहले भी हो चुकी थी और यह राजनीति थी बहुजन से सर्वजन की ओर यानी कि अगर बहुत ही व्यवहारिक शब्दावली में आ, बात की जाए तो अब मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने और कांसीराम को भी इसका समर्थन प्राप्त था उच्च जातियों विशेष रूप से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया इसकी रणनीति अपनाई कई स्थानों पर इस तरीके के सम्मेलन कराए गए जाति सम्मेलन किया गया यह भरोसा कायम करने की कोशिश की गई कि बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं है और चुनावों में यह नारा भी दिया गया कि हाथी जो कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसके बारे में कहा गया कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है और यह नारा नब्बे के दशक के आ, और उसके पहले डी एस फोर के में जो नारा चलता था उससे अलग था जिसमें यह कहा जाता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार और तिलक तराजू और तलवार जो हैं तिलक एक तरीके से एक ब्राह्मण जाति के प्रतीक के रूप में तराजू बनिया जाति के प्रतीक के रूप में और तलवार राजपूत जाति के प्रतीक के रूप में था इस पूरे नारे का लब्बुलवाब यह था कि जो उच्च जाति का डोमिनेंस है उसके प्रति बिल्कुल ही हिकारत की भावना उसको नकारने की भावना उसको खारिज करने की भावना लेकिन जब बहुजन से सरोजन की ओर बहुजन समाज पार्टी बढ़ी तो उसने इस तरह के नारों को भुला दिया जाति सम्मेलनों के द्वारा एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की चुनावों में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भी टिकट दिया आ, जो समाजवादी पार्टी थी जिसकी कि 2007 से पहले सरकार थी उसके गुंडा राज के खिलाफ आ, तीखा हमला किया गया और इन्हीं सब कोशिशों का यह नतीजा निकला कि 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ इसे दो सौ सीटों पे जीत मिली और मायावती बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनी और मायावती ने कई स्तरों पर काम किया लेकिन शायद बुनियादी स्तर पर अगर हम रोजगार ज़्यादा रोजगार पैदा करने की बात करें भूमि सुधार करने की बात करें तो इस पर उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम करने पर ध्यान नहीं दिया यह वो समय भी था जब यह माना जाता था कि मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं क्योंकि अगर 2009 में वो 2007 की चुनावी कामयाबी को भुना पाती और एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति आती यानी कि किसी दल को बहुमत न मिलता तो वामपंथी दल और अन्य छोटे दल मायावती को समर्थन दे सकते थे लेकिन दो के चुनावों में उन्हें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली उत्तर प्रदेश में उस उन चुनाव में कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली तो वो खैर एक राजनीतिक कयास की बात बनकर रह गई लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने एक तो बहुत ही बुनियादी मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान नहीं दिया जिससे कि दलितों के पास और ज़्यादा आर्थिक संसाधन आ पाए दूसरा उन्होंने ये किया कि इसके बजाय उन्होंने दलितों की अस्मिता को और मजबूती देने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने अंबेडकर पार्क बनाया मूर्तियों का सहारा लिया दिल्ली के करीब नोएडा में एक बड़े बड़े पार्क का निर्माण किया गया हालांकि मीडिया में इसकी काफ़ी तिखी आलोचना हुई लेकिन इसके जवाब में जो तर्क मायावती के द्वारा प्रस्तुत किए गए या उनके समर्थकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि आम तौर पर जो दलितों के जो आइकॉन हैं उनको उस तरीके से मान्यता नहीं दी गई है जैसे देश के अन्य महान पुरुषों को मान्यता दी गई है इसलिए जरूरी है कि उनकी जो याद है या उनकी जो पहचान है उसे भी महत्व दिया जाए तो मायावती का शासन कानून व्यवस्था और राज्य के कुल विकास दर के लिहाज से अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से बेहतर माना जा सकता है लेकिन इसके बावजूद 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को हार का मुंह देखना पड़ा इसका एक बड़ा कारण सत्ता विरोधी रुझान और समाजवादी पार्टी द्वारा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना माना गया आ, लेकिन 2012 में चुनावी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक स्तर पर लगातार कमजोर होती गई दो 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा को आ, कोई सीट नहीं मिली पूरे देश में लेकिन इसे पूरे देश में चार दशमलव एक प्रतिशत वोट मिला और उत्तर प्रदेश में बीस प्रतिशत वोट मिला जो एक तरीके से दिखाता था कि अच्छे खासे वोट पाने के बावजूद बसपा को के पास अपने आधार वोट से आगे के समुदायों को अपने साथ जोड़ने में दिक्कत हो रही है 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा इन चुनावों में इसे बाईस दशमलव दो प्रतिशत वोट मिले किंतु सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली 2019 का लोकसभा चुनाव इसने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़ा लेकिन इसे सिर्फ दस सीटों पर ही जीत मिली अब इसके पीछे अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की अभी सिर्फ बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक आक्रामक राजनीति थी उसका शिकार बहुजन समाज पार्टी भी हुई वो इस लिहाज से कि बहुजन समाज पार्टी पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि दलितों के भीतर भी जो एक सबसे बड़ी और सबसे प्रभुत्वशाली जाति है जाटो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ उसे ही तरजीह देती है उसे ही महत्व देती है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश की कि वह गैर जातो दलित जातियों को अपने साथ जोड़े और इसमें उसे कामयाबी भी हासिल हुई जिसके कारण से आ, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कमज़ोर हुई इसके अलावा आ, मुस्लिमों के भीतर जो मुस्लिम मतदाता हैं उसके भीतर भी बहुजन समाज पार्टी बहुत गहरा विश्वास कायम नहीं कर पाई आगे की बहुजन समाज पार्टी की राजनीति क्या होगी इस बारे में आ, मुझे लगता है कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी की कुछ सीमाओं पर ध्यान दें तो आ, बात ज़्यादा खुले रूप में सामने आ पाएगी क्योंकि जब तक बहुजन समाज पार्टी इन सीमाओं को दूर नहीं करेगी तब तक वो भारत की राजनीति में खुद को बहुत मजबूती से स्थापित कर पाएगी इसकी संभावना थोड़ी कम ही है सबसे पहली सीमा जो बहुजन पार्टी समाज पार्टी की है वह यह है कि नेतृत्व के स्तर पर मायावती के बाद कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है यह नेतृत्व के स्तर पर एक बड़ी सीमा है क्योंकि हर एक मौके पर हर राजनीतिक दल में अलग अलग स्तर के नेता होने चाहिए जो सर्वोच्च नेता के अनुपूरक का काम करें लेकिन मायावती की के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी है कांसी के गुजरने के बाद उसमें वही सर्वोच्च नेता हैं और आम तौर पे अगर कोई बहुत गहराई से बहुजन समाज पार्टी को देखता है तो वो कुछ और नेताओं के नाम बता सकता है लेकिन अगर एक आम मतदाता से पूछा जाए उससे बातचीत की जाए तो उसके सामने बहुजन समाज पार्टी और मायावती एक दूसरे के पर्याय हैं और दूसरे किसी नेता का वहाँ पर अस्तित्व नहीं है इसके कारण से भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर एक सीमा लग जाती है क्योंकि एक नेता या एक फेस को के काम करने की एक सीमा होती है और वो बहुत गहरे स्तर पर जाकर हर विधानसभा क्षेत्र या अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार नहीं कर पाते हैं और यहीं पर बसपा की दूसरी सीमा भी आ जाती है कि दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपना विस्तार नहीं कर पा रही है और यह मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में केंद्रित पार्टी बनकर रह गई है हालांकि चाहे वो बिहार हो चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो दिल्ली हो इन सभी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी को अच्छे खासे वोट मिलते हैं आ, अच्छे खासे से यहाँ मेरा तात्पर्य बीस प्रतिशत नहीं है लेकिन आठ से दस प्रतिशत तक या उससे थोड़े ज़्यादा वोट जरूर मिलते हैं आ, लेकिन या कम से कम पाँच प्रतिशत से ज़्यादा वोट ज़रूर मिलते हैं अगर हम अलग अलग राज्य को देखें तो मैं एक, एक रूप आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरा यह कहना है कि इन राज्यों में दलितों की अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी अपना विस्तार नहीं कर पाई मिसाल के तौर पर बिहार में दलित चौदह से पंद्रह प्रतिशत हैं पंजाब में ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा हैं और अन्य राज्यों में भी इनकी उपस्थिति है लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन राज्यों में अपने पैर नहीं जमा पाई इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपना आधार बनाया और एक तरीके से अभी ऐसा लगता है कि वो वहीं सिमट रुकी हुई है इसका एक बड़ा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर जो मैंने पहली पहला बिंदु बोला वह इससे जुड़ा हुआ है कि अन्य प्रदेशों में नए तरह के नेतृत्व को मौका देने की गुंजाइश नहीं रही है इसका शायद बड़ा कारण यही है कि एक नेता अपने आसपास की सारी शक्तियों को केंद्रित करके रख रह रही हैं और एक असुरक्षा की भावना भी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है अन्यथा अगर बहुजन समाज पार्टी अलग अलग राज्यों में कुछ प्रमुख युवा नेताओं को बढ़ावा दे पार्टी के सिंबल के साथ और पार्टी के बड़े विचारों के साथ उन्हें अपनी राजनीति करने की स्वायत्तता दे और जो ऊपर का नेतृत्व है जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कम से कम उनके काम में दखल दे तो यह मुमकिन है कि अन्य राज्यों में भी दलित राजनीति के एक प्रतीक के रूप में बहुजन समाज पार्टी खुद को स्थापित कर पाए लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है और अक्सर अलग अलग राज्यों में जब इसके विधायक जीतते हैं तो बहुत कम समय के भीतर आमतौर पर उन्हें दूसरे पार्टियों के द्वारा मुख्य रूप से सत्ताधारी था, पार्टी के द्वारा अपने में मिला लिया जाता है राजस्थान में ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कई बार ऐसा होते रहा है बिहार में भी कई बार ऐसा होते रहा है तो इसके लिए यह ज़रूरत इसी बात की है कि बहुजन समाज पार्टी राज्यों के स्तर पर अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर स्वायत्त और मजबूत और युवा नेतृत्व का विकास करने की कोशिश करें तीसरे स्तर पर बसपा की एक सीमा यह है कि इसने अपनी राजनीति में प्रतीकों का सहारा लिया है इससे निश्चित रूप से ये ऐसी राजनीति नहीं है जिसे हम पूरी तरीके से खारिज कर सकें क्योंकि इससे एक अलग तरह की चेतना एक अलग तरह का भरोसा एक अलग तरह की ऊर्जा दलित युवाओं में दलित महिलाओं में दलित छात्राओं में भरती है जब वो यह देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर या कांसी राम या मायावती की मूर्ति उसी भव्यता के साथ लगी हुई है जिस भव्यता के साथ इस देश के अन्य महापुरुषों की मूर्ति लगी है तो ये अपने आप में ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पूरी तरीके से नकार दिया जाए व्यर्थ मान लिया जाए लेकिन इसके साथ ही आगे बढ़कर ऐसे मुद्दों को भी उठाने और उन पर काम करने की ज़रूरत है जिससे कि समाज में बुनियादी आर्थिक बदलाव हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों को पैदा करना आर्थिक क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करना जो दलित जो दलित युवा हैं उनके उद्यम लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और इन सबसे बढ़कर ग्रामीण स्तर पर जो भूमि संबंध है उनमें बदलाव की कोशिश करना ये कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जिससे कि समाज में जो बुनियादी संरचना है वह बदल सकें और जिसे कि गुरु किल्ली कंसी राम कहते थे वह गुरु किल्ली ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ राज्य के स्तर पर सत्ता से संबंधित नहीं है बल्कि वह निचले स्तर तक जाती है और उसको बदलने के लिए अन्य कई साधन हैं यानी कि अगर किसी गांव में दलित खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं तो वो भी एक गुरुकिल्ली हासिल करने की तरह है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति की मौजूदगी उनके पास ज़्यादा शिक्षा होना ज़्यादा नौकरियाँ होना गाँव में उनकी स्थिति को ज़्यादा सम्मानजनक बना सकती है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने प्रतीकों की राजनीति की है लेकिन इसने इस राजनीति से आगे बढ़कर यह कोशिश नहीं की है कि वास्तविक मुद्दों पर जो कि निचले स्तर पर सत्ता का परिवर्तन करें सामाजिक स्तर पर लोगों को दलितों को ज़्यादा मौजूद बनाए उस पर इसने ध्यान नहीं दिया है चौथे रूप में यह कह सकते हैं कि अपने शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह जमीनी स्तर पर साइकिल यात्राओं आदि द्वारा जनसंपर्क का, का काम करती थी बाद के वर्षों में वो बहुत कम हो गया एक तरह से बसपा पूरी तरह से चुनावी राजनीति पर केंद्रित पार्टी बन गई और आ, यह ऐसी पार्टी बन गई जो मुख्य रूप से और शायद ऐसा नहीं है कि ये आलोचना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी पर लागू होती है यह आलोचना हो सकता है कि अधिकांश राजनीतिक दलों पर भी लागू होती हो काफ़ी हद तक लेकिन चूंकि अभी हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं इसलिए और बहुजन समाज पार्टी ने एक आदर्श भी संसदीय राजनीति में प्रस्तुत किया था कि सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं चुनावों से परे भी इसने लगातार दलितों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया था छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं साइकिल यात्राओं पर इसने जोर दिया था कांसी इस तरह के प्रयासों में लगातार लगे रहे थे तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह पार्टी अब सिर्फ चुनावों के वक्त सक्रिय होती है तो इसके कारण भी यह एक सीमित प्रभाव वाली पार्टी बन रही है ऐसा मुझे लगता है लेकिन फिर भी आ, मैं यह कहूँगा और इस बात को अधिकांश चुनाव विश्लेषक अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में आई है आ, जिसने भारतीय राजनीति के चेहरे में इसके चाल और चरित्र में गहरा परिवर्तन किया है राजनीति में जो दलित वर्ग से जुड़ी महिला का एक मुख्यमंत्री बनना या दलित युवाओं का ज़्यादा सक्रिय होना या उनके भीतर अपने स्वाभिमान का बढ़ना ये एक ऐसी परिघटना है जो भारतीय लोकतंत्र में आ, सबसे सकारात्मक परिवर्तनों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और यही भूमिका बहुजन समाज पार्टी ने निभाई है हालांकि बहुजन समाज पार्टी की भविष्य के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं बहुजन समाज पार्टी को सक्रिय रूप से यह कोशिश भी करनी होगी कि वह यह दिखा पाए कि वह सिर्फ एक या दो प्रभुत्वशाली दलित जातियों की पार्टी नहीं है बल्कि इसमें अन्य छोटी छोटी दलित जातियों के लिए भी गुंजाइश है और इसके अलावा इससे आगे बढ़ते हुए अन्य समुदायों के साथ सिर्फ चुनावी स्तर का ही गठजोड़ न बने बल्कि एक सामाजिक तालमेल बने जिससे कि यह एक ऐसे सामाजिक आधार का निर्माण कर पाए जिससे इसकी राजनीति को विस्तार मिले तो बहुजन समाज पार्टी की चुनौतियां काफ़ी गहरी हैं भविष्य के लिए लेकिन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में इसने एक अमूल्य योगदान दिया है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं अपनी इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा और मैंने यह कोशिश की इस पूरी चर्चा में कि मैं बहुजन समाज पार्टी के इतिहास के बारे में आपको एक समझ दे सकूँ मेरी कोशिश रही कि मैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारात्मक आधार और इसके बदलते स्वरूप के बारे में भी आपको एक समझ दे सकूँ और मैं जैसे कि मैं कहता हूँ हर लेक्चर के बाद कि मुझे ये उम्मीद है कि जब आप यह लेक्चर पूरा सुन लेंगे तो आप यह कोशिश करेंगे कि कुछ अन्य पुस्तकों के सहारे आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को समझने की कोशिश करें आप कांसीराम की लिखी हुई पुस्तक चमचा युग को या चमचा एज को पढ़ने की कोशिश करें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है और आप बहुजन समाज पार्टी के राजनीति की विविधताओं को और गहराई से समझें आ, मैं अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं और अगले अंक में हम भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े किसी अन्य मुद्दे की चर्चा करेंगे नमस्कार